मैं तो बहुत आई वॉज रियली रियली नर्वस. रेमो सर एंड सनी मैम दोनों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है. मैं तो बहुत आई वॉज रियली रियली नर्वस बट ऑफकोर्स आई मीन आई जस्ट डिडंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी बाय जस्ट बीइंग नर्वस कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं डांस नहीं कर रही हूँ. तो मैं उन्हें देख के सबसे पहले ऑफकोर्स वो नर्वसनेस भी थी लेकिन एट द सेम टाइम ही रेमो सर एंड सनी मैम दोनों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया एंड आई जस्ट सेड कि देखिए अगर मुझसे कोई गलती हो रही है एंड उन्होंने ना तो गलती होने दी ना मुझे नर्वस और ज़्यादा. मैं जब नर्वस फील कर रही थी हो रही थी तब मुझे बिल्कुल भी वो फील नहीं करवाया. वाज सो कंफर्टेबल, मुझे इतना मज़ा आया है परफॉर्म करने में एंड ऑफ़ कोर्स डांस का कीड़ा मुझ में हमेशा से था. सो ऑफ़ कोर्स कह सकते हैं कि जो जैसे बचपन में टीवी के सामने खड़े रह के जैसे सारे 80s और 90s के बच्चे करते थे वैसे ही मैं करती थी. और या आई डोंट नो आई मीन कि मुझे भी ये मौका मिला है एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. और मचाओ म्यूज़िक को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ बिकॉज उनका ये पहला गाना और इस तरह से हिट होना पहले ही दिन और इतना शोर मच जाना, तो मचाओ जो है अपने नाम के साथ ही हो रहा है कि वो मचा रहा है. मैं कहना चाहूँगी कि एज अ परफॉर्मर मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैंने गाना गाया भी है इसमें एंड आई हैव ट्राइड टू डांस एंड यू नो अब भी टी नंबर है, मुझे बहुत मज़ा आया. या यू नो ब्लेसिंग्स दिए हैं और सुन के और लोगों तक पहुँचाया है इस गाने को, तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती बिकॉज आई थिंक ऑडियंस ही भगवान है एंड लिसनर्स ही भगवान होते हैं हमारे. तो यू नो इफ़ वी रियली वॉन्ट टू गेट आर वर्क जस्टिफाइड आई थिंक वो ऑडियंस का रिएक्शन है जो हमारे काम को जस्टिफाई करता है. एंड आई रियली रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स जिन्होंने इस गाने को इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया कि आज कुछ ही घंटे हुए हैं सॉन्ग को रिलीज़ हुए एंड दे आर जस्ट थ्रोइंग लव लाइक शावरिंग लव अपॉन अस. सो आई एम रियली हैप्पी. सो दिस इज़ माई स्टाइलिस्ट हेतल जिन्होंने मुझे स्टाइल किया है एंड हम दोनों काफ़ी साल से काम कर रहे हैं. सो शी एग्जैक्टली नोज़ कि मुझे क्या पसंद है एंड किस तरह के आउटफिट्स मुझे पसंद है. तो आई थिंक दिस रियली गोज़ वेल विद द नाच बेबी थीम. और क्योंकि ये हिंदी भी है लेकिन साथ साथ में यू नो इट हैज़ गॉट दैट गरबा, फुल गरबा वाइब है लेकिन हिंदी में है, तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू डू दिस फ्यूजन ऑन माई सेल्फ. यार आप ये नहीं पूछ सकते एक माँ को कि दो बच्चों में से कौन सा बच्चा फेवरेट है आपका, ये नहीं पूछ सकते. लेकिन हाँ मैं आई विल जस्ट से दिस, सो दिस इज़ द लाइन दैट आई लव द मोस्ट आउट ऑफ द होल सॉन्ग. बट येस ऑफकोर्स आई लव सिंगिंग द होल सॉन्ग एंड आई थिंक उसी का रिजल्ट है दैट पीपल हैव ऑल्सो लव. क्योंकि आप अगर खुश हो के उस गाने को जी कर अगर आप गाते तो आई थिंक पीपल विल फील दैट फील. मतलब मुझे ऑलरेडी कितने लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. और जैसे यू नो बहुत क्वर्की लिरिक्स है, अलग लिखा है और ऑफकोर्स मैनेज कुमार पाजी, तो वी नो कि वो क्या यू नो अपनी जो जादुई छड़ी है उससे क्या लिखने वाले हैं. तो वी ऑलवेज यू नो कैन एक्सपेक्ट सरप्राइजेस फ्रॉम हिम एंड वही किया कुमार पाजी ने एंड आई हैड लाइक अ लॉन्ग लॉन्ग विश टू वर्क विद हिम. और कुमार पाजी ने जिस तरह से गाना लिखा है और मुझे गाने का मौका मिला, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. थैंक यू.